हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पुनीता किचन में। आज हम मेथी के पराठे बनाने जा रहे हैं। चलिए उस रेसिपी की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पुनीता किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ मेथी का पराठा, जिसको ठेबला भी बोलते हैं। और देखिए, हमने मेथी का पराठा बनाने के लिए क्या क्या लिया है। हमने देखिए ये मेथी लिया है, हमने इस कटोरी से हम ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन इसमें भर गया था इसलिए हमने 1.5 कटोरी मेथी लिया है, काट लिया है। इसको अच्छे से पत्ता ही काटा है, धो के अच्छे से काट लिया, और इसकी सहायता से हमने छान के रख भी दिया था। और ये धनिया भी इसी से हमने काट के धो लिया और इसे छान के रखा था। धनिया है, ये अदरक लहसुन मिर्ची मैंने इसकी सहायता से कूट लिया है। और फिर देखिए, हमने क्या अजवाइन ले लिया है, और ये हमने जीरा थोड़ा सा ले लिया है। और इस चम्मच से हमने आधी चम्मच मिर्ची ली है और आधी चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। स्वाद अनुसार नमक ले लेंगे हम। और 2 चम्मच इस खाने वाले चम्मच से हमने 2 चम्मच तेल लिया है। यह 2.5 चम्मच 3 चम्मच दही है, फेट लिया है, घर का दही है, खट्टी दही। और ये हमने 2-2.5 चम्मच बेसन ले लिया है। और इसके लिए क्या करेंगे, अब हम एक परात लेंगे और इसमें हम आटा लेंगे उसी कटोरी से। इस कटोरी से ही हम 2 कटोरी आटा ले लेंगे। ये देखिए हमने 2 कटोरी इसमें आटा ले लिया कि हमने इसमें 3 कटोरी आटा ले लिया है। अब क्या करेंगे ना, हम इसमें ये अजवाइन डाल देंगे। हाथ से हमने क्रश कर लिया अजवाइन को। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, मिर्ची भी है इसमें। अगर बच्चे खाते हैं तो आप मिर्ची कम डालिएगा। हमने ये भी डाल दिया, हल्दी पाउडर भी डाल दिया, और ये जीरा भी हम डाल देंगे, और ये लाल मिर्ची भी डाल देंगे, और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। भाई हमको हाथ से ही नमक डालने को अच्छा लगता है, तो हम क्या करेंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम मिला लेंगे, ऐसा करके सारे मिला लेंगे। ये देखिए, अब हमने आटा को सब मसाला मिला लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये हम बेसन जो लिए हैं ये डाल देंगे, और थोड़ा सा तेल डाल देंगे। ये देखिए, हमने इससे क्या करेंगे ना, ज़्यादा है तो आप 2 चम्मच इससे ले लीजिए तेल, और या घी भी ले सकते हैं आप। और इसको आप अच्छे से फिर से मिलाएंगे इसको। ये देखिए, अच्छे से इसको मिला लेंगे, ऐसा ऐसा करके जो भी सारे मसाले हमारे हैं इसमें आ जाए। हम क्या करेंगे ना, ये मेथी डाल देंगे। ये देखिए, हमने अच्छे से काट लिया मेथी। बच्चे तो मेथी और पालक खाना नहीं पसंद करते हैं, तो आप क्या करिए, इसे ही काट के मेथी का भी बना सकते हैं, पालक का भी बना सकते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, दही भी ऐड कर देंगे। देखिए, हमने दही ले लिया है, इसको भी हम इसमें डाल देते हैं। और उसके बाद हम फिर ये धनिया भी डाल देंगे कटा हुआ, धनिया से भी अच्छा टेस्ट आता है। तो जो बच्चे नहीं खाते हैं, इस तरीके से आप मेथी, पालक, बाकी मूली का जो भी है, पराठा गोभी का देंगे ना, तो अच्छे से खा लेंगे। ये क्या हमारा ना, ऐसा मलेंगे तो हमारा अच्छे से मल जाएगा। ऐसा मलने के बाद ये देखिए, अच्छे से दोनों हाथों से मले हैं क्या भाई, हम तो दोनों हाथ लगा रहे हैं। अगर आपको एक हाथ से मलने की आदत हो तो आप एक हाथ से भी मल सकते हैं। और इस तरह से बना के देंगे ना, तो बच्चे भी खाएँगे। बच्चों लोग के लिए मिर्ची मत डालिएगा। क्या करेंगे ना, इसको पानी की सहायता से अब हम ऐसा आटा जैसा एक डो बना लेंगे, रोटी जैसा। और देखिए, इसको हम ऐसे बना लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है मेथी का पराठा। इसको आप दही के साथ और आम के अचार के साथ और ये क्या है, रायता के साथ, किसी के भी साथ खा सकते हैं ये तीनों चीज़ों के साथ, लेकिन ज़्यादातर तो अचार से ही अच्छा लगता है। ये आपकी पसंद, आप जैसे भी खाएँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि और जो आई बेल बटन है ना, उसको दबा देंगे ना, तो सारी रेसिपी आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे, जो भी आपको चाहिए। ऐसा पानी डाल डाल के हम गूथ लेंगे, एक अच्छा सा सॉफ्टी डोर बना लेंगे। इसको ना ज़्यादा टाइम तक नहीं गूँथें, क्योंकि इसमें अच्छा मतलब ये सब सारी चीज़ें पड़ी, इसको ज़्यादा आटा जैसा नहीं मलना होता है, क्योंकि बहुत जल्दी डो बन जाता है। और अगर आप ट्रेन में जाते हैं तो इसमें पानी ना डालें, दही की सहायता से ही इसको गूँथ लें, क्योंकि ये ट्रेन में सफ़र में कहीं भी जाएंगे ना, तो कम से कम 2 दिन तो ये ख़राब होता ही नहीं है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, इसको ट्रेन में सफ़र में ले जाने के लिए बना लेते हैं। और बेसन ज़्यादा ना डालें और ना ही इसमें वो तेल ज़्यादा डालें, नहीं तो टूटने लगेगा। यह हमारा आटा बन के तैयार हो गया है। अब हम इधर देखिए पैन रखा है, ढोसे वाला पैन। अब हम क्या करेंगे, गैस को
चालू कर दिया। हमने घर पैन ले लिया है, अब इसमें हम सूखा आटा लेंगे और हम चलेंगे मेथी का पराठा बनाने। देखिए हमारा तवा भी गर्म हो चुका है और हम ये भी ले लिए हैं बेलने के लिए रोटी बेलन, और हमने देसी घी ले लिया है 2 चम्मच। ये हमने घर का बनाया घी है, हमने इसमें 2 चम्मच देसी घी ले लिया है पराठा सेकने के लिए। अब हम क्या करेंगे ना, लोई तोड़ेंगे इसे और पराठा बनाएंगे। इस पर हमारा जो चौकी है ना रोटी बेलने वाला, उसका पैर टूट गया है, तो इसके लिए हम इस पर ही रोटी बनाएंगे। और एक्चुअली ना इस पर रोटी बहुत अच्छा बनता है, पराठा भी बहुत अच्छा बनता है। जितना बड़ा आपको बनाना है बना सकते हैं इस पर, और बहुत अच्छा लगता है बनाना। अभी देखिए ऐसा क्या करेंगे, हमने ऐसा कर लेंगे इसको, जितना पतला जितना मोटा बनाना है आप बना सकते हैं। देखिए इसको आदम आराम से इस पर बड़ा बनता है, चौकी तो थोड़ा छोटा भी पड़ जाता है इसके लिए। अगर आपको लगे कि हमको थोड़ा सा और आटा चाहिए तो इसमें से आप ऐसा ऐसा कर सकते हैं। देखिए हम बिल्कुल जैसे घर में बनाते हैं ना खाना, वैसे ही आपको हम बता रहे हैं। हमने ना कोई दूसरा प्लेट में सूखा आटा लिया है और ना ही कहीं दूसरे जगह रखा है। एक ही थाली में सूखा आटा भी ले लिया है, एक ही थाली में हमने आटा गूंथ के भी रख लिया है। ये बहुत हेल्दी होता है क्योंकि सर्दियों में मेथी का पराठा, मेथी का लड्डू सभी लोग खाते हैं। आप जितना पतला कर सकते हैं कर सकते हैं। ये देखिए हम इतना ही पतला करेंगे इसको। ये मत देखिए कि नहीं हमारा क्या बन रहा है, मतलब टेढ़ा है कि सीधा, ये देखिए। और इसको क्या करेंगे, इस पर डाल देंगे। ये बहुत ही अच्छा बनता है और हेल्दी बनता है। अब हम इसको पलटी करेंगे और इसमें क्या करेंगे ना, इस पर घी डालेंगे। और ऐसा हम आप किसी भी तवे पे बना सकते हैं, आयरन वाले तवे बना सकते हैं, डोसे वाले तवे बना सकते हैं, जो आपके घर में अवेलेबल हो उस पर आप बना सकते हैं। इसको ऐसा हमने तेल लगा दिया और हमने इसको ऐसा लिया, इसको पलट ऐसा करने के लिए ले लिया है। अब फिर से हम इसको पलटी करेंगे। देखिए वापस इसमें हम ये घी डालेंगे और ऐसा कर लेंगे इसको पूरा, जैसा पराठा बनाते हैं ना आप वैसा ही बना लीजिए। देखिए और मीडियम पे ही रखिएगा इसको। देखिए इसको अच्छा से ही ऐसा करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। दोनों बाजू हल्का ब्राउन जितनी आने लगी है, देख रहे हैं आप। हमारे बच्चों को ये बहुत पसंद है, हमने कल बनाया था ये पराठा, लेकिन बोलते आज फिर से वापस नाश्ते में पराठा ही हमको चाहिए। तो मैं बोली चलो आपके लिए भी बना देती हूँ और दर्शकों के लिए भी बना देती हूँ। ये देखिए हमारा पराठा ये हो गया है। इसको हम निकाल के रख देंगे, इसको ज़्यादा नहीं सेकेंगे क्योंकि ये बहुत पतला है, ऐसा ही सेकेंगे। इसमें घी की मात्रा थोड़ा अधिक लगनी चाहिए। देखिए हमने इधर रख दिया और हम अब क्या करेंगे ना, दूसरा बनाएंगे। देखिए अब हम दूसरा बनाने चल रहे हैं पराठा। हमने लोई काट के रख दिया है, इसको वापस हम ऐसा बेलेंगे। थोड़ा सा हमारा किचन छोटा है ना तो हमको एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसके लिए थोड़ी लंबी वीडियो बन जाती है, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से। ऐसा लगा लेंगे फिर वापस ऐसा हम कर लेंगे। अब ऐसे भी बेल, गाँव में लोग ऐसे ही रोटी बनाते थे पहले। ये देखिए पूरा राउंड कर लेते थे ऐसा ऐसा करके, कहीं कुछ नहीं करना पड़ता था, ना हाथ से उठाना पड़ता था और ना ही। ये देखिए हमारा हो गया, बन के तैयार हो गया। वापस हम इस पर डाल देंगे। देखिए ना कितना पतला है ये लेयर, देखिए। और ऐसा डाल देंगे, वापस हम इसी तरह के सारे पराठे बना लेते हैं। देखिए हमने एक बना लिया है, दूसरा तवे पे है, ये भी बनने को हो गया है, और तीसरा ये चौकी पे पड़ा हुआ है, प्लेटफार्म पे है। और देखिए ये क्या है ना, पहला तो हर किसी का पराठा इधर उधर हो ही जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये देखिए अभी बन के तैयार है। ऐसा ही आप बना के निकालें हल्की चित्ती आने के बाद, और फिर वापस हम ये देखिए कितने अच्छे से बना लिया हमने पराठा। ये लेयर भी देख सकते हैं आप, कितना अच्छा पत्ता दिख रहा है। ये देखिए इसको डाल देंगे और हम सारे पराठे ऐसे ही बनाएंगे जैसे है। फिर उसके बाद हम आपको सर्व करके दिखाते हैं, फिर सारे पराठे हम सेक लें। देखिए हमारे सारे पराठे बन के रेडी हो चुके हैं। हमने 3 कटोरी आटे में 10 से 12 पराठा बना लिया है हमने। ये देखिए सारे पराठे बन गए, कितने अच्छे बने हैं। आप इसको आज कर खा सकते हैं, 2 दिन रख के खा सकते हैं। अब मैं इसको सर्व करके आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारा पराठा बन के तो रेडी हो गया। अब सवाल ये बनता है कि हम खाएं किसको इससे। अगर सुबह होता तो हम चाय के साथ खा लेते, तो इसलिए हम इसके लिए रायता बना रहे हैं। तो देखिए हमने दही ले लिया है, घर का दही, इसको अच्छे से हमने फेंट लिया है। और इसमें क्या करेंगे ना, थोड़ा सा नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, और उसके बाद ये टमाटर हमने काट लिया है बहुत बारीक, ये देखिए ये भी डाल देंगे, और मिर्ची हरी डाल देंगे, थोड़ी सी धनिया डाल देंगे, और थोड़ा सा ये प्याज डाल देंगे। हाँ, और इसको क्या करेंगे, अच्छे से हम फेंट लेंगे। ये देखिए, और इसको फेंटने के बाद
ये देखिए इसको हम प्लेट में सर्व करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितना अच्छा रायता बना है ये, देखिए इसे आप खाएंगे ना तो टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा लगेगा। ये अभी हम आपको प्लेट में निकाल के दिखाते हैं कैसा बना है, क्या दिख रहा है, अचार के साथ में दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए देखिए हमारे मेथी का पराठा बन के तैयार हो गया है और हमने सर्व भी कर दिया है रायते के साथ और आम के अचार के साथ। अब देखिए कितना सॉफ्टी बना पड़ा, देख रहे हैं पराठा, इसको आप ऐसा करके ऐसा तोड़िए, देखिए कितना अच्छा से टूट रहा है। और आप ऐसे करके ना ऐसे कितना अच्छा से खा सकते हैं। देखिए ये देखिए मैं अपने बच्चे को खिला रही हूँ, पूछती हूँ कैसा बना है। रेसिपी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरीके से बनाएं और अपना अनुभव हमारे चैनल पर शेयर करें। तब तक मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।